18 दिसंबर रायबली स्थानीय इंदिरा गांधी सभागार में अमृत महोत्सव वंदे मातरम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व पुलिस महानिदेशक सुरखान सिंह एवं साध्वी पंछी देवी की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुद्वारा के ग्रंथी ज्ञानी जनक सिंह ने की। कार्यक्रम में 1965 के युद्ध में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। सीएम सिंह और राम सिंह 1965 के युद्ध में शहीद हुए थे। 1971 में शहीद रवि नारायण सिंह, 1991 में ऑपरेशन रक्षक में शहीद रामेश्वर सिंह के परिवारजनों को अंग वस्त्र एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 में सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए सेवा करने वाली संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया, जिसमें सेवा भारती द्वारा संचालित अवध रसोई के लिए हरिहर सिंह सेवा आरती के उपाध्यक्ष को सम्मानित किया गया। श्री जगमोहनेश्वर जग महादेव धाम की समीक्षा श्री राघव मुरारका को बैसवारा सुमित से राघवेंद्र सिंह, 11 ब्रदर्स राहुल वाजपेयी अविनाश को भी सम्मानित किया गया। निर्माण फाउंडेशन से रितेश भदौरिया, रोहित वाजपेयी, शिवानी सिंह, अजय अवस्थी, नीरज गुप्ता को अंग वस्त्र व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुरखान सिंह ने कहा, सतत संघर्ष कर जीवन मूल्य एवं सच्चाई की रक्षा करने वाला ही स्वतंत्र रह सकता है। साध्वी पंछी देवी ने कहा कि अध्यात्म के सहारे मनुष्य को देव तत्व को प्राप्त कर सकता है। सभा की अध्यक्षता कर रहे ज्ञानी जनक सिंह ने शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया। कार्यक्रम में राइजिंग चाइल्ड के छोटे छोटे बच्चे देशभक्ति नृत्य कर प्रस्तुत कर दर्शकों के मन को मोह लिए। वहीं वंदे मातरम गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर एवं सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने गाया। इस अवसर पर मंच का संचालन रवि प्रताप सिंह एवं अजय सिंह ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गया प्रसाद, डॉक्टर अवधेश जी प्रचारक, अमरजीत जी जिला प्रचारक, अमित चौधरी जिला कार्यवाहक, जेडी द्विवेदी जिला संचालक, देव बहादुर सिंह, संदीप जी अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य, अशोक बेरी सह प्रांत कार्यवाहक, संजय सिंह, अमरेश बहादुर सिंह, सेवाकांत पांडे, माता प्रसाद मौर्य, राहुल सिंह, डॉक्टर धनंजय सिंह, विजय रस्तोगी एवं सूरज सिंह का विशेष योगदान रहा। वही कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह, हरचंदपुर ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम के साथ। स्वतंत्र जीवन आसान नहीं होता, मनुष्य का जीवन आसान नहीं, आरामदायक जीवन पशु पक्षियों का हो सकता है। कुत्ते बिल्ली भी केंद्र के संक्रमणों में रहते हैं, सुख से रहते हैं। इंसान की पहली जरूरत है, उसकी पहली मांग है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के भीतर वो सुख सुविधाओं का संग्रह करेगा, प्राप्त करने का प्रयास करेगा, लेकिन आजादी की कीमत पर, स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। ये मनुष्य की मौलिक प्रकृति है, इंसान की फितरत है आजादी स्वतंत्रता। मैं पुलिस की ट्रेनिंग में इस बात को बहुत जोर देता था, स्वाभिमान आजादी स्वतंत्रता इंसान की कुदरत है, उसकी फितरत है, उसकी नेचर है, प्रगति है, स्वभाव है।